हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल तेहड़ा। माय सेल्फ सुमित ठक्कर। हमारा लास्ट वीडियो था कैपेसिटर्स के ऊपर। हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे हमने पढ़ा। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है हम पैरल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली हमारा आर्टिकल आज का पैरल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर हम पढ़ने वाले हैं आज कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कि क्या प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे हम किसी स्पेरिकल कंडक्टर की या फिर किसी स्पेरिकल बॉडी या कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास कोई स्पेरिकल कंडक्टर है, लाइक दिस। ये आपके पास कोई स्पेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, स्पेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, आप इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हो, और आपको पता है चार्ज हमेशा बॉडी के, कंडक्टर के, सॉलिड सरफेस कुछ भी हो उसके सरफेस पर लाई करता है। चार्ज इसके सरफेस पर आएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करेगा। इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। चार्ज जो है इसकी पूरी बॉडी पर आ जाएगा। मान लो आपने इसको चार्ज दिया कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्या आपने चार्ज गिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्पेरिकल कैपेसिटर हो गया जिसकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। देखो सिंपल मेथड है, हमें पता है फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सीवी, और सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा क्यू अपॉन वी। क्यू हमने जो चार्ज दिया है वो है, और V उस चार्ज की वजह से जो इस स्पेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो है ना। इसको आप स्पेरिकल बॉडी भी मान सकते हो, सॉलिड स्फीयर भी मान सकते हो, इसको आप स्पेरिकल शेल भी कंसीडर कर सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा था कि स्पेरिकल शेल के आउटसाइड जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली थी उसके फॉर्मूला था KQ बाय R स्क्वायर, जो कि सिमिलर था किसके, पॉइंट चार्ज के। ये हम पहले पढ़ चुके थे। मतलब हम सब ये मान सकते हैं कि हमारे पास कोई स्पेरिकल बॉडी है, उसका सारा चार्ज कहाँ कंसीडर कर सकते हैं हम, उसके सेंटर पर। ये हमें कब समझ में आया था, जब हम स्पेरिकल कैपेसिटर सॉरी जब हम स्पेरिकल शेल का गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टडी करें तब हमें समझ में आया था कि हम किसी बॉडी का सारा चार्ज, स्पेरिकल बॉडी का सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं सारा चार्ज उसका कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर। तो हमने मान लिया इसका जितना भी चार्ज है सारा का सारा, ये सारा कहाँ पर सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सारा का सारा सेंटर्ड है के ऊपर, है ना। तो जितना भी चार्ज, चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस, उसको हमने मान लिया सारा का सारा कहाँ पर है, एट सेंटर, एट द सेंटर। तो इस सिचुएशन को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरफेस से चार्ज चला गया, सारा चार्ज सरफेस से चला गया, कहाँ चला गया सारा चार्ज, उसके सेंटर पर आ गया। सेंटर पर कहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखो क्यू की वैल्यू पता है हमें, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू। वी क्या है, वी इज द पोटेंशियल, वी इज द पोटेंशियल एट सरफेस, कहाँ पर बेटा, सरफेस पर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय व्हाट, आर स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इस पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कर दो, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो C हमारे पास आ जाएगा कितना, C इज इक्वल्स टू 1/4 फड़ेगो, पहले ऊपर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यस ऊपर हमारे पास क्यू, और डिवाइडेड बाय ये वी की वैल्यू सारी यहां पुट करेंगे, जिसमें से 4πε0 r² ये तो कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, और सॉरी r स्क्वायर नहीं है, ये r है बेटा, गलती से लिख दिया मैंने, ये r स्क्वायर नहीं है, r होता है पोटेंशियल में, पोटेंशियल में r होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में r² होता है, ठीक है।
तो यहां पर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाय क्यू है, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो सी की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, वो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब आपके पास कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपको सिंपली याद करना है, फॉर्मूला है आपके पास सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या चीज है, रेडियस। कैपिटल आर क्या चीज है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस। अब हम देखेंगे कि किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का या किसी स्फेरिकल कंडक्टर का है ना कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन देखो, 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, इस पर डिपेंड क्या करेगा, 4 पाई की वैल्यू ही कॉन्स्टेंट है। नंबर वन डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन नॉट पर, मतलब ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि कैपेसिटर के सराउंडिंग मीडियम कैसा है। अगर मीडियम अलग होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन एम, जिससे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो के की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो आपको पता लग जाएगा। आर हमारे पास क्या है, रेडियस, मतलब अगर आप कंडक्टर की स्फेरिकल बॉडी की रेडियस को इंक्रीज करो, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस को इंक्रीज करो, तो रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। मतलब जितना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा उस पर क्या डिपेंड करे, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेके चलते हैं इसी स्फेरिकल कैपेसिटर में। मान लो आपके पास एक अर्थ है ना, अर्थ कैसी कैसी शेप की है, वैसे शेप अर्थ की स्फेरिकल नहीं है, पर हम मान लेते हैं अर्थ की शेप कैसी है बेटा, अर्थ की शेप है स्फेरिकल, वैसे स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल से थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज है ना, हमने अर्थ की शेप मान ली स्फेरिकल, ये मैं ले लिया हमने अर्थ, और अर्थ भी क्या है कंडक्टर, ये अर्थ की क्या है रेडियस, जो अर्थ की रेडियस होती है वो नियरली किसके इक्वल होती है, 6400 किलोमीटर, कितनी होती है बेटा 6400 किलोमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, 64 को मल्टीप्लाई करते किससे, 1000 से कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे देखो 3 to 5 ऐसे लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ये आपकी अर्थ की रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, या फिर आप बोल दो कितना किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। एक ही बात दोनों बेटा, ठीक है, हमें अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल बॉडी है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 6.4 × 10⁻⁶। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी अर्थ की कैपेसिटेंस की, जो अप्रोक्सीमेटली आती है 711 माइक्रो फेराड। कितना आता है, 711 माइक्रो फेराड। कितना आता है बेटा, अर्थ की रेडियस इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी अर्थ होने पर भी उसका रेडियस, उसका कैपेसिटेंस कितना है, 711 माइक्रो फेराड। 711 माइक्रो फेराड का मतलब ये होता है बेटा 711 × 10⁻⁶ फेराड। तो सोच के देखो, अगर अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर होने के बावजूद भी इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, 711 माइक्रो फेराड है। ठीक है, और अगर हम ऐसे बात करें कि अगर हम ऐसे बात करें कि एक हमारे पास अर्थ है, उसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है, कितना है 1 फेराड, तो सोचो उसकी रेडियस कितनी ज्यादा होगी। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लैनेट है जिस प्लैनेट की कैपेसिटेंस कितनी है 1 फेराड। अगर उसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है, सोचो उस प्लैनेट की रेडियस कितनी ज्यादा होगी, वो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है 1 फेराड,
स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपेसिटेंस 1 है, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹। मतलब अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस उस प्लेनेट की रेडियस कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹। एक ऐसा प्लेनेट है ना, देखो अगर हम बात करें अर्थ की तो होता है 6.4 × 10⁻⁶ है ना, और यहां पर कितना है 9। अर्थ की रेडियस 10⁻⁶ के अप्रोक्सीमेटली है, यहां इसका कितना हो रहा है 10⁻⁹। मतलब कितने टाइम्स ज्यादा हो गई, अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं बेटा 10⁻³ टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स। और कुछ फैक्टर 6 का भी आएगा, या 9 है कुछ 6 है, कुछ फैक्टर 6 का भी आएगा तो वो इससे ज्यादा ही होगी। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्लैनेट जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है, एक प्लैनेट जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है, उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 1000 टाइम्स ज्यादा होगी। कितने टाइम्स ज्यादा होगी बेटा, 1000 टाइम्स। तो इमेजिन कर सकते हो आप कि उसका शेप कितना बड़ा होगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा उस प्लैनेट का, जिस प्लैनेट का कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फेराड। अच्छा सुनो बेटा, 1 फेराड एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट है बट वो प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं हो पाता। हम इसलिए कैपेसिटेंस को माइक्रो फेराड में, मिली फेराड में, इसलिए हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर जो हमने आपको समझा दिया। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंसिपल आज, कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, और कैपेसिटर को बनाने के लिए हम किस किस चीज का यूज करते हैं, और कैपेसिटर में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल समझने के बाद आपको समझ में आएगा जो हमारा आर्टिकल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब बेसिकली आज मेरा आर्टिकल ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। चलो देखो, अभी हमने कैलकुलेट किया कि इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी अर्थ का कैपेसिटेंस है 700 माइक्रोफेराड, इतनी बड़ी रेडियस होने के बाद। ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है, 711 माइक्रोफेराड, 711 माइक्रोफेराड से हमारी जो नीड है, जो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम उनको प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं, हम उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसका कैपेसिटेंस बहुत कम है। तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, हमें अर्थ का कैपेसिटेंस, या हमें कंडक्टर का कैपेसिटेंस, या हमें उस स्फेरिकल बॉडी का, उस मेटेलिक बॉडी का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। अब वो कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, सपोज करो एक कंडक्टर ले लिया इस शेप का। ठीक है, ये प्रिंसिपल चल रहा है बेटा, ये प्रिंसिपल आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे भी लगा सकते हो। ये प्रिंसिपल आप सीधा ये समझ लो कि मैं आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ। क्या होता है, देखो ये आपके पास एक स्फेरिकल या किसी भी शेप का एक कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, कंडक्टर पर क्या आ गया बेटा, चार्ज, कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा है। आप कंटिन्यूसली कंडक्टर को चार्ज दिए जा रहे हो, और कंडक्टर कंटिन्यूसली चार्ज को स्टोर कर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर इस कंडक्टर की चार्ज करने की कैपेसिटी, चार्ज होने की कैपेसिटी फुल हो जाएगी। मतलब कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, और इस पर अगर हम और चार्ज सप्लाई करें तो कंडक्टर चार्ज गेन नहीं करेगा। मतलब इस कंडीशन में इसके पास इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सी, किसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, इस कंडक्टर का। ये तो पहले भी हो रहा था, चार्ज दे रहे हैं, पर अभी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। अभी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसलिए कम है क्योंकि लिमिटेड चार्ज स्टोर कर पा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसके चार्ज की कैपेसिटी और इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि हमें इसका प्रैक्टिकली यूज करना है, प्रैक्टिकली यूज तभी होगा जब कैपेसिटेंस कुछ मेजरेबल वैल्यू रखेगा। अब 711 माइक्रोफेराड इतना बड़ा सरफेस होने पर भी कुछ वैल्यू नहीं है जो कि मेजर नहीं कर पा रहे, है ना,
नेग्लिजिबल सी वैल्यू है, हम वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम बेटा, इस कंडक्टर ए के साथ नियर बाय एक दूसरा कंडक्टर प्लेस कर देंगे, एक दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस कर देंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी होता है, दो प्लेट यूज होती है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दूसरा कंडक्टर है, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। जैसे ही आप देखो, अब मैं प्रिंसिपल स्टार्ट करने वाला बेटा, इसका प्रिंसिपल चल रहा है, जैसे ही आप दूसरा कंडक्टर प्लेस करोगे होगा क्या, ड्यू टू इंडक्शन इस दूसरे प्लेट के जो चार्ज है, दूसरे कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, इस साइड रिपेल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अब ये चार्ज सारे के सारे फ्री चार्जेस थे, जैसे ये प्लेट कंडक्टर रखा, इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि इन नेगेटिव चार्जेस से अट्रैक्टेड है, मतलब हमारे पास कुछ स्पेस बन जाएगा, किसके अंदर, हमारे पास यू बोल सकते हैं हम, इस वाले चार्जेस के अंदर कुछ स्पेस बन जाएगा, या बोल सकते हैं हम इसको फिजिक्स की टर्म में कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब यही है कि अब ये कंडक्टर और चार्ज गेन कर सकता है, क्योंकि इसके कुछ चार्जेस बिजी हो गए कहां, इनके नेगेटिव चार्जेस के साथ, मतलब अब इसमें स्पेस बना, इसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा बेटा, तो आप इस कंडक्टर पर और चार्ज सप्लाई कर सकते, तो आप इस पर और चार्ज सप्लाई करोगे, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो नियर बाय कंडक्टर प्लेस करने से होता क्या है कि उस कंडक्टर का क्या बढ़ जाता है बेटा, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, उस कंडक्टर की पोटेंशियल डिक्रीज जाती है। ध्यान रखना, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के साथ दूसरा कंडक्टर हमने प्लेस किया, दूसरा कंडक्टर प्लेस किया, यहां प्लेस करने पर इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। अब ये और चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। तीसरा स्टेप क्या करते हैं उसके अंदर, अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इस दूसरे कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, देखो ये वाले नेगेटिव चार्ज तो बाउंड है, किससे बाउंड है, इनके पॉजिटिव चार्ज से, और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है। जैसे ही आप इनको ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो कर जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे ग्राउंड में, और ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे ग्राउंड में, तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से ऊपर आ गए। एक ही बात है, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए या फिर नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से आ गए। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएंगे इस कंडक्टर पर, एक्सेस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ गए, और ये इसके पॉजिटिव को और अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इसके पॉजिटिव और इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए, अब दोबारा से क्या होगा, इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मोर डिक्रीज, मतलब पोटेंशियल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिक्रीमेंट आ जाएगा, इसका पोटेंशियल एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर पर पहुंच गए। जैसे ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा बेटा, इसका पोटेंशियल देखो, मैं सपोज करो पहले इसका पोटेंशियल था 4 वोल्ट, ठीक है, आपने इसको चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट। आपने नियर बाय कंडक्टर रख दिया, उससे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, 4 से कितना हो जाएगा, मान लो 3 वोल्ट हो गया। फिर आपने इसको और चार्ज दिया, फिर 3 से कितना कर दिया, वापस आपने इसका 4 वोल्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने इस वाली बॉडी को किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से, अब इसका पोटेंशियल डिग्रीज होगा, पर ज्यादा डिग्रीज हो जाएगा, 4 से सीधा काम हो जाएगा बेटा 1 पर। अब 1 पे पहुंच गया, तो आप इसको और चार्ज सप्लाई कर सकते हो, जैसे आप इसको और चार्ज सप्लाई करोगे, इसका कैपेसिटेंस और क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा, और फिर वापस से आप इसको कितना कर दोगे, 4, कितना कर दोगे वापस इसको, 4, मतलब पहले कंडक्टर लिया, उसको चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, फिर नियर बाय कंडक्टर रखा, जिसकी वजह से उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, डिग्रीज, फिर हमने उसको और चार्ज दिया, उसने और चार्ज स्टोर कर लिया,
ठीक है। उसके बाद हमने उस वाली वायर को दूसरे वाले कंडक्टर के से कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, जिससे उसका पोटेंशियल में रैपिडली फॉल आ गया, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट आ गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। और हमने फिर उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ वो चार्ज दिया, जिसकी वजह से कंडक्टर फुल क्या हो गया चार्ज। देखो तीनों ही केस में हमने फर्स्ट कंडक्टर को चार्ज दिया, तीनों ही केस के अंदर फर्स्ट वाले कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना ही हमारा मोटो था, और हमने फर्स्ट वाले कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या बढ़ा लिया, बढ़ा लिया। इसीलिए हर टाइप के कंडक्टर में हम दो टाइप के कंडक्टर यूज करते हैं, हर टाइप के कैपेसिटर में हम दो टाइप के क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और एक दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। और दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला किससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से, ठीक है। तो अब हम अगला जो हमारा आर्टिकल होगा बेटा, वो आर्टिकल होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होगा बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बताएंगे, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए।